begin this laughter season with our first performer. ये पॉमडी करते आए हैं. पॉमडी क्या है? Let's find out. Presenting Rajat Sood. मेरा नाम रजत सूद है और मैं पॉमडी करता हूँ. पोएट्री और कॉमेडी को मिलाकर है ना. मैम मैं करने तो सच में आशिकी निकला था. अच्छा. लेकिन आशिकी में मेरे साथ इतना मजाक हुआ कि अब मैं मजाक करता हूँ. अच्छा. और मुझे ऐसे लगता है आशिकी सभी की जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट एक अहम हिस्सा रखती है ना. कितने लोगों को यहाँ पर प्यार हुआ है? उन्होंने दोनों ही उठा ली. सुरेंद्र भाई कह रहे अरे तबला वाला छोड़ो यार. यार के किस्से से मैं सच्चा प्यार बोल देता था. टांगे भी उठा लेते. बस वहां तक रुक जाना है. ठीक है. हाँ बिल्कुल. जब मैं छोटा था ना सर तो मुझे लगता था कि इंडिया के बेस्ट लवर शेखर जी हैं. हाँ जी. क्यों? अच्छा. मुझे लगता था कि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है सुमन. सही में सर मैं इसी भ्रम में जिया हूँ. और मुझे लगता था ये इतना सच्चा प्यार करते हैं कि इन्होंने उनका नाम अपने नाम में ही जोड़ लिया. जोड़ लिया. वाह क्या बात. इसी चक्कर में मैं स्कूल में सबको अपना नाम बताता था. रजत पिंकी. रजत पिंकी. सही. वो तो एक दिन पिंकी के पापा पीटीएम पर आए. अच्छा. उन्होंने मेरे नाम से रजत और पिंकी अलग अलग किया है. मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में दो तरह के आशिक होते हैं. एक तो वो जो बिल्कुल जीप पर आई लव यू लेकर चल रहे है ना. आई लव यू. वो रखा हुआ उन्होंने. हाँ, जहां मौका मिला निकाल देंगे. अच्छा. और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा. एग्जाम्पल के तौर पे हेमंत पांडे ये है वैसे आशिक. और ये ना बिल्कुल आई लव यू निकालते हैं. हाँ. ये इतनी तेजी से आई लव यू निकालते हैं जैसे बाप लोग खाने में नुक्स निकालते. या जैसे रिश्तेदार लोग फ्री की एडवाइस निकालते. वाह वाह. या जैसे दिल्ली वाले गालियां निकालते. सर ऐसा होता है ना जैसे आप खाना खाओ तो खाने के बाद ना दांत में कुछ अटका रह जाता. हाँ. इनका आई लव यू अटक गया. हाँ. इन्हें खुद नहीं पता बात करते हो कब बाहर आ जाएगा. लड़कियां पूछ रही हैं हाउ आर यू कह रहे हैं आई लव यू. अच्छा. दूसरी तरह के आशिक होते हैं हम जैसे जो सोचते हैं कि एक दिन प्रपोज करेंगे. वाह. और वो एक दिन हमारी जिंदगी में ना यूपीएससी के इंटरव्यू कॉल की तरह होता है. कभी नहीं आता. कभी नहीं आता. और अगर आता भी है तो हम रिजेक्ट होकर आ जाते हैं. तो मैंने तब एक गजल कही थी. अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं सुनाऊं. इरशाद. कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा. वाह. है ना. अब गिफ्ट शॉप पे ग्रीटिंग कार्ड तो मिल जाता है. है ना. हिम्मत थोड़ी मिलती. और मैंने सर क्या किया. मैंने ना पॉकेट मनी से 1200 रुपए बचाए. और मैंने उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड लिया. वो वाला ग्रीटिंग कार्ड होता है ना जो खोलते ही इसमें गुड्डा निकलता है एक. और कहते हैं यू आर माय ड्रीम गर्ल. अच्छा. तो मैंने वो वाला ग्रीटिंग कार्ड दिया. वो इतनी इंप्रेसिव इतनी इंप्रेसिव. उसने बदले में मुझे भी कार्ड दिया अपनी शादी का. सर मैं एक साल में महबूब से मामा बन गया था. तो मैंने तब ये गजल कही थी. हाँ. कि जहां मैं एक दिन. हाँ. अव्वल बनूंगा. हाँ. मगर तुम आज छोड़ो. हुँ. कल बनूंगा. और कभी बन जा शहद मेरी जुबा का. मुझे लगता है सर ये जो डेटिंग वाला कल्चर है ना सर. ये अमीर लोगों का. हमारे इलाके में अभी भी वही वाली आशिकी चल रही है. कौन सी वाली? चाय की टपरी पे. परचून की दुकान पे. भाड़े के मकान पे. चल रहा है अभी भी. जैसे हमारे इलाके में एक जगह है सर उसका नाम है जापानीज पार्क. अच्छा. अब आप खुद ही सोचो जिसके नाम में जापानी आ रहा है वहां कैसी आशिकी चल रही हो. वहां के आशिक सर जापान की ट्रेन से भी फास्ट हैं. सही में मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे अंकल लोग इधर पत्ते खेल रहे होते हैं इधर आशिक लोग पत्तों के पीछे खेल रहे होते हैं. अच्छा. बहुत बढ़िया. इधर अंकल लोग पैसे दांव पर लगा रहे हैं और इधर आशिक लोग इज्जत. बहुत बढ़िया. और इधर अंकल लोग पत्तों पर थूक लगा रहे हैं. और इधर आशिक लोग. पारिवारिक शो सब नहीं बताऊंगा. तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि कभी बन जा शहद मेरी जुबां का.
मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा, जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। सुना है चांद साजिश कर रहा है। वाह क्या ख्याल है। जैसे सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग पार्क के बाहर आशिकी करते हैं, कुछ लोग कॉलेज के बाहर करते हैं, मैंने औकात के बाहर की थी। अच्छा है, राजपाल बाबू का कहना है ये औकात के बाहर है। अरे लग रहा है कि यही अंदर और बाकी सब बाहर है। मुझे लग रहा है शेखर सर और राजपाल सर के पुराने जख्म खुले हैं आज। हमारे जख्म सिले कब से कम हो चुके हैं, नासूर बन चुके हैं। और सर वो ना बहुत ज्यादा ही सुंदर थी, और ये ढांचा आप देख ही रहे हो, वो इतनी सुंदर थी मैं उसका सपना भी देखता था ना, तो मेरे सपने में शीशा आकर हंसता था। उसने कई बार मुझसे बोला कि नींद में है तो कुछ भी मत सोच। दो तीन बार तो फरिश्ते खुद आए मुझे बना करने। अच्छा। उन्होंने मेरे को बोला, कह रहे तू कितने भी कैटरीना के सपने देख ले, मिलेगी तुझे कपिल की दादी। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि सुना है चांद साजिश कर रहा है, सवेरे को निकल पागल बनूंगा, जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। और कहें सब देख ले औकात अपनी। और मैंने ऐसे देखे, जब आप आउट ऑफ द लीग बहुत सुंदर लड़की से प्यार करने लग जाते हो ना, तो लोग आपको अलग अलग तरीके से मना करने आ जाते हैं। सबके साथ ये हुआ ना, एक दोस्त है, हाँ हाँ ये इसने दुख में बताइए कर, हाँ यार याद, यही तो बुलाने आया था कॉमेडी शो, यही याद दिला दी है। मेरे दोस्त मुझे अलग अलग तरीके से मना कर रहे हैं। एक मुझे कह रहा प्रपोज मत करियो, कह रहा भाई तेरे जैसे शक्ल के लड़के से तो वो बस की टिकट भी ना ले। मैंने कहा वो तो बस में जाती भी नहीं। कह रहा तू कौन सा टिकट बेचता है, बेइज्जती समझ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक लड़के ने तो सर हद ही कर दी। मेरा एक दोस्त था, मुझे कहता उसे प्रपोज मत करियो भाई, उसे प्रपोज मत करियो, उसे प्रपोज मत करियो, वो तेरे मुंह पे थूक देगी। मैंने कहा है ये कौन सी लड़कियां हैं जो थूक के मना कर रही हैं। रोशन तुमने किया कभी ऐसे? तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि कहे सब देख ले औकात अपनी, कहे कतरा कि मैं बादल बनूंगा, जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर आज नहीं, अगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। और कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में। और सर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे आई लव यू कहूंगा। अच्छा। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे आई लव यू कहता, उसी ने कह दिया आई लव यू अपने बेस्ट फ्रेंड को। और सर ऐसा होता है ना, उस दौर में ना भगवान से नाराज हो जाते हो कि तुझे तो सब पता था ना, मुझे हिंट नहीं दे सकता था क्या? बहुत गुड। तो दो तीन बार तो भगवान ने प्यार से मेरी सुनी। उसके बाद भगवान प्रकट होकर बोले, कह रहे अगर तू उसकी शक्ल देखने के बाद अपनी देखता तो मैंने काफी हिंट दी थी। कह रहे मैंने पहले तुझे साइंस दिलवाई, फिर इंजीनियरिंग करवाई, फिर बेरोजगार रखा। अगर तू ये सपना देखने से पहले अपना सेविंग्स अकाउंट देख लेता तो भी हिंट थी। तो मैंने उस दौर में अगला शेर लिखा कि कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में, मैं अगले जन्म में चप्पल बनूंगा, जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। और आखिरी शेर सुनिएगा कि अभी खामोश बैठा देखते हो। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि ये कहानी मैं उसे तो कभी नहीं कह पाया, लेकिन एक दिन सबके आगे कहूंगा। और आज मैं कहता भी हूं, सब लोग खुश हैं मेरे पापा के अलावा। वो ये सोच रहे इसने मेरी छत के नीचे इतनी आशिकी कैसे कर ली। और कभी पकड़ा भी नहीं गया। और मैं सही बताऊं तो पापा जेलस हैं, क्योंकि पापा पकड़े गए थे। तो मैंने तब आखिरी शेर लिखा था कि अभी खामोश बैठा देखते हो,
किसी दिन शहर की हलचल बनूंगा, वाह जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा। क्या बात, वाह। मगर तुम आज छोड़ो, कल बनूंगा। बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुना। रजत सूद नहीं पिंकी, क्योंकि अभी भी तुम पिंक कपड़े हो ना, तो अभी भी तुम मेरे लिए रजत पिंकी हो, और मैं तुम्हारी प्रतिभा के शिखर पर अपनी बड़ाई के सुमन अर्पित करता हूँ। और बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं तुमको जितने नंबर देने हैं उससे ज्यादा देना चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं कल दूंगा। और आप बाद में नहीं, किसी और दिन नहीं, आज ही अव्वल बन गए हैं। और आप कॉमेडी के होप हैं, और लाफ्टर के टॉप हो, टॉप हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.